इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में अलकायदा की साजिश पर बेहद विस्फोटक खुलासा हुआ है। आतंकी मिन्हाज ने पूछताछ के दौरान बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। मिन्हाज ने बताया है कि उसने कुकर बम का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भेजा था। ये कुकर बम इंटरनेट और हैंडलर की मदद से तैयार किया गया था। बम को ई रिक्शा पर प्लांट करने का प्लान भी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि अलकायदा की साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी मिन्हाज ने पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है। आतंकी मिन्हाज ने बताया कि उसने कुकर बम का वीडियो बनाया था और ये कुकर बम उसने यूट्यूब की मदद से और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर की मदद से बनाया। उसके बाद इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वीडियो उसने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भी भेजा था। इसके अलावा एक और बड़ी बात मिन्हाज द्वारा बताई गई कि इस बम को रिक्शे पर प्लांट करने का भी प्लान था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, और क्या कुछ मिन्हाज ने खुलासे में बताया है? देखिए, UPATS लगातार इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में अलकायदा के जो दोनों आतंकी हैं उनसे लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि मिन्हाज जो गिरफ्तार आतंकी है, इसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर यानी कि उमर अल मंदी को बाकायदा वीडियो के जरिए उस वीडियो को शेयर किया था जिसमें उसने प्रेशर कुकर बम बनाया था। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव इंटेंसिटी का प्रेशर कुकर बम था और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि इंटरनेट के अलावा पाकिस्तानी हैंडलर ने उमर मंदी ने इसे बनाने में मिन्हाज को पूरी तरीके से मदद की थी। एक्सपर्ट्स की जो सलाह है वो प्रोवाइड कराई थी और उसके बाद ये पूरी तरीके से प्रेशर कुकर बम बनकर तैयार थे जिसको कि UPATS मौके से सीज कर चुकी है। इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस प्रेशर कुकर बम के अपने दर्शकों को दिखा चुका है, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों को भी दहलाने की बड़ी योजना थी। और यही वजह है कि ATS की जो पूछताछ हो रही है उसकी जो एरिया है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ कानपुर है, लखनऊ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बल्कि इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक से दो दिन में ATS दोनों ही आतंकियों को कानपुर लेके जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको कश्मीर में भी लेके जाएगी ताकि जो पकड़े गए आतंकी हैं उनकी निशानदेही पर और जगहों पर रेड किया जा सके और भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की जा सके। क्या एक से ज्यादा बम की बात के बारे में भी बताया है? क्योंकि एक और आतंकवादी मिन्हाज के साथ पकड़ा गया था, उसका क्या प्लान था, कब इस बम को प्लांट करना था, कोई ऐसी तारीख का जिक्र किया मिन्हाज ने? देखिए ज्योत्सना, चूंकि दोनों ही आतंकी लखनऊ के ही रहने वाले हैं और लखनऊ में ही रह करके उन्होंने इस तरीके का जो प्रेशर कुकर बम है वो तैयार किया था ई रिक्शा पर, यानी कि अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ई रिक्शा पर इस बम को लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लांट किया जाना था, उसकी पूरी तरीके से योजना बनाई गई थी। लेकिन बात यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान से इसके हैंडलर्स कुछ लोगों को सीमा पार से लखनऊ भेजने वाले थे और उसके बाद ये पूरी साजिश का ताना बाना फाइनल किया जाता, लेकिन इससे पहले कि हैंडलर्स पाकिस्तान से लखनऊ पहुंचता या फिर उसका कोई मैसेज पहुंचता कि लखनऊ में किस तरीके से बम को प्लांट करना है, ATS ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आतंकियों को भाई मतलब बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।